सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और टेक बाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जो हमारा एक्टिविटी का सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ था, वो काफ़ी टाइम से उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल। तो अब आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा इसके ऊपर प्यार दिखाया है। काफ़ी लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स इसमें करते हैं, और काफ़ी लोगों ने कहा कि प्लीज़ सर इस वीडियो सीरीज को आप कंटिन्यू कीजिए। तो अब आपके लिए जो है इसके अंदर मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगा, और सर्वर से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के बारे में, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी का बहुत मेजर पार्ट है। राइट, सो ओयू क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो इन एक्टिव डायरेक्टरी ओयू स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। एन ओयू यूनिट इज कह सकते हो जो आपका ओयू है वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी का एक मेजर पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओयू। ठीक है, सो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और टेक बाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट नयनजीत सिंह, और हमने एक्टिव डायरेक्टरी के जो मास्टर क्लासेस का जो सीरीज था हमने स्टार्ट किया हुआ था, और उसके ऊपर आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया है, और काफ़ी लोग मुझे काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि सर प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, और इसीलिए मैं इस वीडियो सीरीज़ को अब कंटिन्यू करूँगा। मेरा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता, लेकिन अब आपको इस एक्टिविटी के ऊपर आपको कंटिन्यूसली वीडियोज़ मिलेंगे, और इस एक्टिविटी को करने के बाद अब अपने कंपनी के अंदर इजिली सर्वर को मैनेज कर पाएंगे। तो ये बहुत डिटेल में अब जाने वाले हैं हम इन चीज़ों को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के बारे में, ओयू के बारे में। तो जो कि आपके एक्टिविटी का बहुत ही मेजर पार्ट है, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको अब हम समझेंगे। तो ओयू क्या है कि जो आपका ओयू है इसकी स्टैंड इसका जो फुल फॉर्म है वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है आपके एक्टिविटी के अंदर आपके ग्रुप्स को, यूज़र्स को, कंप्यूटर्स को, जिनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो आपके यूज़र्स, कंप्यूटर्स, आपके जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को अपने नेटवर्क में बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, उसको अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग ओयू का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एक और यूज़ है कि अगर आपको आपके नेटवर्क में, मान के चले कि आपके ग्रुप है या कुछ यूज़र्स को मुझे पॉलिसीज लगाना है, ठीक है, या किसी को एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई टास्क मुझे असाइन करना है, कुछ नेटवर्क का एक्सेस देना है। नेटवर्क एक्सेस मतलब कि मेरे को कुछ एक्टिविटी का कुछ रोल या किस कुछ सर्विसेज जो है मुझे डेलीगेट करना है। तो इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओयू। देखिए, मान के चले मुझे किसी यूज़र को ये परमिशन देना है कि वो नेटवर्क में क्या कर पाए, मतलब एक्टिविटी के अंदर क्या कर पाए, यूज़र क्रिएट कर पाए। तो मैं डायरेक्टली ना, आप अपने यूज़र्स के ऊपर पॉलिसीज नहीं लगा सकते। आप कहो कि मैं डायरेक्ट यूज़र के ऊपर पॉलिसी लगाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओयू क्रिएट करते हैं, और उस ओयू के अंदर हम पर्टिकुलर यूज़र को मैप करते हैं, और उस ओयू के ऊपर हम लोग परमिशंस लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके उस ओयू के अंदर जो पर्टिकुलर यूज़र है, ग्रुप है, वो आपके एक्टिविटी को ईजिली मैनेज कर पाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ओयू आपको अलाउ करता है कि आप अगर कोई पॉलिसी लगाना चाहते हैं, कोई परमिशंस लगाना चाहते हैं कि स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर, तो आपको क्या करना होगा, ओयू क्रिएट करना होगा। तो इस ओयू का बेसिकली मेजर रोल जो है कि आपके एक्टिविटी को इजीली मैनेज करना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओयू को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ओयू को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसका प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और प्रैक्टिकल जो रहेगा वो हमारे दो तरीके से रहेंगे, एक कि अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप ओयू क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, और दूसरा अगर मुझे पावर शेल के थ्रू अगर ओयू क्रिएट करना है तो कैसा होगा। तो दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसके अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इसके लिए कुछ आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।